नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। एक वक्त पर दुनिया के नंबर वन तेज गेंदबाज रह चुके दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर लोनवाबो सोत्सोवे को मैच फिक्सिंग के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक क्रिकेट से 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सोत्सोवे पर आरोप है कि उन्होंने साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका के डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रैम स्लैम में फिक्सिंग की है। आपको बता दें कि सोत्सोवे दक्षिण अफ्रीका के 7वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिस पर दक्षिण अफ्रीका की एंटी करप्शन यूनिट ने ऐसी कार्रवाई की है। गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सोत्सोवे पर फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद उन्हें हर तरह के क्रिकेट से दूर रहने का आदेश दिया था। सोत्सोवे ने अपने ऊपर लगे फिक्सिंग के चार्जेस को स्वीकार कर लिया है। सोत्सोवे पर साल 2015 में हुए मैच की फिक्सिंग में शामिल होने का एक चार्ज, सीएसए के एंटी करप्शन अधिकारियों के सामने जानकारी छुपाने को लेकर उन पर 2 चार्जेस लगे हैं। इसके अलावा भी उन पर भ्रष्टाचार, अधिकारियों के साथ जांच में सहयोग न करना, सबूतों को छुपाने जैसे कई बड़े आरोप थे, जिसको लेकर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उन पर ये बड़ी कार्रवाई की है।